चित्रकूट में मिला पॉजिटिव केस मिलने से मची सनसनी। चित्रकूट जिले के मानिकपुर तहसील के टिकरिया ग्राम पंचायत जमुनिहाई में दो कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। ये दोनों प्रवासी मजदूर दिल्ली से 5 दिन पहले ही आए थे, तो वहीं मानिकपुर तहसील के कोलगरहिया में भी एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। पूरे गाँव को सैनिटाइज किया गया है और उनके घर वालों को भी एम्बुलेंस के माध्यम से कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया है लैब। वहीं जमुनिहाई गांव के राजा प्रसाद का कहना है कि ये प्रवासी मजदूर 5 दिन पहले ही दिल्ली से आए थे, इनका सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया गया था। रिपोर्ट आने के बाद कोरोना की पुष्टि हो पाई है। कोरोना का मरीज मिलने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पूरे एरिया को बैरियर लगाकर सील कर दिया गया है। हॉटस्पॉट घोषित इस क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों का व ग्रामीण व्यक्तियों का गाँव से बाहर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित। नाम भैया आपका? मेरा नाम राजा प्रसाद है सर। राजा प्रसाद, आपके गांव में 2 मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। कैसे, कहां से आए थे, कब मिले, कब प्रशासन पता चला, कब प्रशासन यहां पर पहुंचा है? जी सर, ये लोग 3-4 दिन पहले दिल्ली से आए हैं, 4-5 दिन हो गए। सर, ये प्रवासी मजदूर हर साल बेरोजगारी के कारण, यहां की गरीबी भुखमरी के कारण, यहां ना कोई चीज का साधन है, ना पीने के लिए पानी है, पाठा क्षेत्र है सर, इसलिए ये हर वर्ष कमाने चले जाते हैं परदेश। अपना साल में वही गर्मी में साथ नहीं। कब पता चला इनको कोरोना है, कहे किस चीज से आए थे, ट्रेन से आए थे, बस से आए थे? ये सर बस से आए थे। ये सर मानिकपुर गए चेक कराने, तभी पता चला। कितने लोग हैं? क्या ये 10 लोग हैं। कैसे पता चला था सबसे पहले कि कोरोना हो चुका? ये सर जब मानिकपुर गए चेक कराने के लिए तब पता चला। कितना भय है आप लोगों को इस गांव में रह रहे हैं, कितना डर लग रहा है आप लोग? अब तो सर महामारी से तो भय है हमें, अब है तो सर अच्छे से देश विदेश परस्त है इस महामारी। अब आपके गांव में, जैसे अभी तक आप लोग सुनते थे कि विदेश में ये है, ऐसा फलाना दिखाना, सर, अब आपके गांव में पहुंच गए, कितना क्या भय है सर? हम यही शासन से आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था आप लोग के हाथ हो।